राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंदू एकता मंच द्वारा श्रद्धा की हत्या के विरोध में बुलाई गई महापंचायत में जबरदस्त हंगामा हो गया। एक महिला स्टेज पर आ गई और एक अनाउंसर को चप्पल से पीट दिया। महिला का कहना था कि उसकी बच्ची 5 दिन से गायब है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला का आरोप है कि उसने जिसे मारा है उसका बेटा उसकी बेटी को भगाकर ले गया है और पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि महापंचायत चल रही थी, तभी एक महिला अपनी शिकायत बताने के लिए मंच पर चढ़ी। जब शख्स ने उसे धक्का देकर माइक से हटाने की कोशिश की तो महिला ने अपनी चप्पल निकाल ली और उस शख्स को मारने लगी। इसके बाद वहां अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई, जिसके बाद मंच पर मौजूद अन्य लोगों के बीच बचाव करने से महिला को रोका गया। यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, इसके बावजूद हंगामा हुआ। यह महापंचायत दिल्ली के छतरपुर में हो रही थी। आपको बता दें, हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोनों 8 मई से दिल्ली के महरौली फ्लैट 11 में रह रहे थे। 18 मई को श्रद्धा और आफताब का झगड़ा हुआ था, इसके बाद आफताब ने उसकी हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।